आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कौन सी गीता? गीता कपूर, गीता खोसला, गीता पांडे, गीता वर्मा? किंतु महाशय, उनसे मिलने का कारण? हमारे यहाँ 6 गीताएं हैं। क्या आप सबको यहाँ उपस्थित कर सकती? अवश्य। शीला, सब गीताओं को बुलाओ। देखरा, तुम्हारे को मालूम है ना हम इधर किसके वास्ते आए लिया है? मालूम है, पढ़ाने को। तोरे से पहले 3 आ चुकी हैं। गुड गर्ल, अभी मैं जो बोलती है ना, मेरे पीछू तुम पन बोलो। अच्छा, ABCDEFG, जल्दी जल्दी घर जाओ, मार पड़ेगी। बहुत मस्करी करता है ना, नॉटी गर्ल। दोस्तों, अगर हम आपके सामने कहें शम्मी, तो फौरन शम्मी कपूर का चेहरा आपकी नजरों के सामने घूम जाएगा। लेकिन आज हम शम्मी कपूर की नहीं, शम्मी आंटी की बात कर रहे हैं। शम्मी आंटी जवानी में बेहद हसीन और खूबसूरत थीं और हीरोइन भी थीं, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वो करेक्टर आर्टिस्ट बन गई और पहले से ज़्यादा मशहूर हो गई। तो आइए देखते हैं शम्मी आंटी को। बड़ा आया कानून और सरकारी बातें समझाने वाला। अरे बेवकूफ, अब तो तेरी तरक्की हो गई है, फिर भी अकल नहीं आई तुझे? अरे पुलिस वाले और उनके घर वालों के लिए कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होता। चल अब। 24 अप्रैल 1929 में पैदा हुई थी शम्मी आंटी नागरौल में, जो गुजरात में है, एक पारसी परिवार में। उनके पिता पारसी अग्यारी में पुरोहित थे और बहुत आध्यात्मिक थे। शम्मी आंटी की माँ बहुत ही शांत स्वभाव की थी और हाउसवाइफ थी। शम्मी आंटी की एक बड़ी बहन भी थी। शम्मी आंटी बहुत छोटी सी थी तो उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात से मुंबई आ गए और यहीं सेटल हो गए। लेकिन अफसोस कि शम्मी आंटी सिर्फ 3 साल की थी तो उनके पिता ये दुनिया छोड़ के चले गए और दोनों बेटियों की जिम्मेदारी माँ पे आ गई। इसलिए उन्होंने पारसी अग्यारी में जो फंक्शंस होती थीं, उन फंक्शंस में मेहमानों के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और मनी रबाड़ी देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर बन गई। अक्सर मनी रबाड़ी फिल्मों की शूटिंग में जाया करती थी और शम्मी आंटी उनके साथ जाती थी। एक दिन मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हीरो शेख मुख्तार, जो बहुत लईम शहीम थे, उन्होंने शम्मी आंटी को देखा और फौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। और उस फिल्म का नाम था उस्ताद पेद्रो और उस फिल्म के डायरेक्टर थे तारा हरीश। तारा हरीश शम्मी आंटी की एक्टिंग से, सूरत शक्ल से, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और फौरन अपने आने वाली फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया बहैसियत हीरोइन। और उस फिल्म का नाम था मल्हार और शम्मी आंटी के साथ हीरो थे अर्जुन। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश और संगीत दिया था रोशन ने। बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी कसम, ओ कलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि शम्मी आंटी का असली नाम था नरगिस रबाड़ी, लेकिन उसी ज़माने में, उसी दौर में एक टॉप मोस्ट हीरोइन थी बहुत मशहूर, नरगिस जी। इसलिए तारा हरीश ने शम्मी आंटी का असली नाम बदल दिया नरगिस रबाड़ी और फिल्मी नाम रखा शम्मी। मैडम, अब मैं आपको चलाना सिखाता हूँ। इसमें कुछ रिकॉर्डिंग है? हाँ, इंग्लिश म्यूजिक। इंग्लिश म्यूजिक, आई लव इंग्लिश म्यूजिक। जरा दूसरा भी। थैंक यू। 1952 में एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था संग दिल।
उसमें हीरो थे दिलीप कुमार और हीरोइन थी मधुबाला, और उस फिल्म में शम्मी आंटी का रोल बहुत अच्छा था। खैर ये तो बताओ जाने बाहर कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि इस वक्त तुम्हारी किसी को सख्त जरूरत है। जाइए, ऐसे मीठा झूठ ना बोलिए। अगर आपको किसी की जरूरत होती तो आपके पाँव में मेहंदी नहीं लगी हुई थी, और ना ही मेरा कमरा इतना दूर था। ये तो मैंने ऊपर कुछ आवाजें सुनी, समझा आप अभी तक जाग रहे हैं। मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। संगदिल के बाद 50s के दौर में शम्मी आंटी ने कई फिल्में साइन कर ली। वो कहती थी कि मैं चूजी नहीं थी, जब भी कोई भी कैसा भी रोल आता था मैं एक्सेप्ट कर लेती थी, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया। प्रीति से मैरिज करके तुम इंडिया जाना चाहते हो? शादी भी तो वहीं होगी। ये तुमसे किसने कहा? अगर शादी होगी तो यहीं होगी, और वो भी तब जब तुम इंडिया वापस नहीं जाओगे। मुझे वापस जाना है। मेरी बेटी नहीं जाएगी। दोस्तों ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उम्र बढ़ने के बाद शम्मी आंटी करेक्टर रोल्स करने लगी थी, और उन्होंने हर तरह के रोल किए, कॉमेडी भी की, नेगेटिव रोल भी और पॉजिटिव भी। बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भगवान की मर्जी समझकर भूल जा, इसे माफ कर दे, आखिर ये भी तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा ही है। शम्मी आंटी को इस बात की बहुत खुशी थी कि भरपूर जवानी में बहसियत हीरोइन वो इतनी मशहूर नहीं थी जितनी उम्र बढ़ने के बाद बहसियत करेक्टर आर्टिस्ट मशहूर हो गई। शम्मी आंटी की टेम्परमेंट नेचर इतनी अच्छी और इतनी प्यारी थी कि वो सबसे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बहुत अच्छी तरह मिलती थी, बड़े प्यार से मिलती थी, इसलिए सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्हें कोई भी सिर्फ शम्मी या शम्मी जी नहीं कहता था, शम्मी आंटी कहते थे। बस करो, बहुत हो चुका, कल से पानी नहीं लाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटी, ये सब काम हम अपने लिए नहीं भगवान के मंदिर के लिए करते हैं, और भगवान के लिए जो भी किया जाए मन लगा के करना चाहिए। तो मैं प्रसाद देने जाऊँ? हाँ जा। 1970 में शम्मी आंटी ने शादी कर ली, लव मैरिज, मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर सुल्तान अहमद के साथ, और उनके साथ मिलकर दो फिल्में भी प्रोड्यूस की, हीरा और गंगा की सौगंध। शम्मी आंटी सुल्तान अहमद के साथ लगभग 7-8 सालों तक रही, और फिर उसके बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन अफसोस कि वो माँ नहीं बन पाई। सुल्तान अहमद से अलग होने के बाद शम्मी आंटी ने मशहूर संगीतकार कल्याण जी भाई के बेटे रमेश भाई शाह के साथ मिलकर 1985 में एक फिल्म प्रोड्यूस की, और उस फिल्म का नाम था पिघलता आसमान। हीरो थे शशि कपूर और हीरोइन थी राखी। शम्मी आंटी के साथ मैंने भी कई फिल्मों में काम किया, ख़ास तौर पे हीरा और अधिकार में। वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी और बहुत प्यार करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती उनकी थी आशा पारेख के साथ। और दोस्तों ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि फिल्मों के अलावा शम्मी आंटी ने टेलीविज़न के लिए कई बड़े बड़े सीरियल्स में भी काम किया, जैसे जबान सवाल के, फिल्मी चक्कर और देख भाई देख। उम्र बढ़ने के बाद भी शम्मी आंटी फिल्मों में काम करती रहीं, और उनकी आखिरी फिल्म का नाम था शीरीन फरहाद की तो निकल पड़ी। फरहाद ये क्या हुआ? मैं सब बाद में बताऊंगा, पहले मीट माय फ्रेंड शीरीन फुग्गाला। हो हेलो शीरीन, वेलकम वेलकम। अरे नरगिस देखो तो तुम्हारा सरप्राइज आ गया। शम्मी आंटी कहती थी कि बेचारी बीमारियों का तो खाम खान नाम बदनाम है, सबसे बड़ी बीमारी होती है बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा जब आता है तो अकेले नहीं आता, बुढ़ापा जब आता है तो अपने साथ मौत का फरमान लेकर आता है।
और शम्मी आंटी के लिए जो मौत का फरमान आया था उस पर तारीख पड़ी थी 6 मार्च सन 2018। शम्मी आंटी तो ये दुनिया छोड़ कर चली गई, लेकिन उनकी याद हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।